हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस में। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नियमित रूप से यहां पर मिलते हैं। किस उद्देश्य से मिलते हैं? हम मिलते हैं क्लास 12th अकाउंट्स स्पेशल एग्जाम सीरीज जो हमने चला रखी है, हम उसके रिगार्डिंग आपसे यहां पर मिलते हैं, जिसके अंदर हम नियमित रूप से कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को यहां पर आपके साथ डिस्कस करते हैं और वो सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट के फॉर्म में पहले से अवेलेबल हो जाते हैं और आप उन सारे क्वेश्चंस को बाद में यहां पर मेरे साथ मिलकर चेक करते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों ने टेस्ट में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, हम उन बच्चों का नाम भी यहां पर अनाउंस करते हैं। उन बच्चों की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन हम यहां पर आपको अवेलेबल करवाते हैं कि कौन टॉपर है, जिससे कि आपको भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करें। मैं आशा करता हूं बेटा आज की क्लास शुरू करने से पहले कि आप सबने अपनी स्टडी को रेगुलर किया हुआ है। बेटा कछुए और खरगोश की कहानी सब जानते हैं। खरगोश ना बनो इस यहां पर कि भैया हम एग्जाम टाइम में एक दिन में ही सब कुछ पढ़ लेंगे। नहीं, कछुआ बनो। स्लो एंड स्टडी कैन विन द रेस। ठीक है, हालांकि ओल्ड टाइम हो गया, ओल्ड स्टोरीज है, शायद हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आज भी एप्लीकेबल है कि जो बच्चा सोचता है कि मैं 30 दिन नियमित रूप से 2-2 घंटे पढ़ूंगा, 60 घंटे पढ़कर मैं मेरे इस स्कोर में 100% स्कोर कर लूंगा, और वहीं दूसरा बच्चा सोचेगा यार 30 दिन 2-2 घंटे पढ़ेगा, 60 घंटे होते हैं, मैं 60 घंटे तो है ना 3 दिन में कवर कर लूंगा, 3 दिन लगातार पढ़ लूंगा, मैं क्यों मेरे 30 दिन बेकार करूं, मैं 27 दिन आराम करूंगा, 3 दिन में पढ़ लूंगा। बेटा वो 3 दिन में 60 घंटे कवर करने वाला बच्चा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सक्सेसफुल कौन होगा? केवल वही बच्चा सक्सेसफुल होगा जो 30 दिन 2-2 घंटे पढ़ेगा। तो आपको नियमित रूप से धीरे धीरे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए चलना है। तो चलिए बेटा, मैं उम्मीद करता हूं सबको बातें समझ में आती है जो मैं कहता हूं, आप उन सबको फॉलो भी करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आप ही के लिए बेनिफिशियल है। चलिए, और आपके लाइक करने का मुझे बेनिफिशियल है क्योंकि मुझे उससे एनर्जी मिलती है, और कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर पोस्ट करते रहे। चलिए वेरी गुड, तो अब तक सारे बच्चे कनेक्ट भी हो चुके हैं। चलिए बेटा फिर हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका आपका जो बुक का एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उससे रिलेटेड है। क्या है बेटा पहला क्वेश्चन? तो लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि क्या आपको लीगेसीज का मतलब पता है? क्या होती है लीगेसीज? लीगेसीज का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लें अपन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगेसीज? ध्यान देना। देखो क्या होता है कि कई लोग होते हैं, जैसे कोई एक पर्सन है, इस पर्सन की डेथ हो जाती है और इसके बाद ये अपनी सारी प्रॉपर्टी, ये पर्सन क्या करता है बेटा, अपनी सारी प्रॉपर्टी एक विल के अकॉर्डिंग, विल यानी जायदाद बनाता है, एक विल बनाता है, वसीयत बनाता है, इसको अपन कहते हैं। इस विल के अकॉर्डिंग क्या करता है बेटा, इस पूरी प्रॉपर्टी को ये ट्रांसफर कर देता है किसको? किसी एनपीओ को। और यही ट्रांसफर क्या कहलाता है बेटा? दिस ट्रांसफर इज नोन एज लीगेसी। क्या कह रहा था बेटा? दिस ट्रांसफर इज नॉन एज लीगेसी। समझ में आ गई ना बात यहां तक? दिस ट्रांसफर इज नॉन एज लीगेसी। अब एक बात बताओ कि आपको पूछा क्या माना जाएगा? लाइबिलिटी माना जाएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाएगा, इनकम माना जाएगा, इनमें से कोई नहीं माना जाएगा। मैं समझा देता हूं अभी कैसे, ध्यान दो। पहली बात तो मुझे समझाओ कि ये जो इस तरह का ट्रांसफर होता है ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? मैंने आप सिंपल सी बात पूछी कि दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर इज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। क्या होता है ये?
ऑब्वियस सी बात है बेटा, कोई रोज की रोज ऐसे कोई बड़े बड़े सेठ नहीं है जो जायदाद बनाते हैं और वसीयत में अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी धर्मार्थ संस्थाओं को नाम दे देते हैं, चैरिटी कर देते हैं, नहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं नहीं ना। तो क्या हो गया ये नॉन रिकरिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी नॉन रिकरिंग आइटम्स होते हैं उनको हम कैपिटल आइटम्स कहते हैं। क्या होते हैं बेटा? जितने भी नॉन रिकरिंग आइटम्स होते हैं उनको कि हम क्या कहते हैं, उनको हम कैपिटल आइटम्स कहते हैं। और जितने भी कैपिटल आइटम्स होते हैं, जितने भी कैपिटल आइटम्स होते हैं वो कहां आते हैं बेटा? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में दो चीजें हो गई, अगर रिसीप्ट है तो ये आएगा कहां पर? लायबिलिटी साइड में। और अगर ये पेमेंट है तो कहां आएगा? ये एसेट साइड में। बात समझ में आ गई अपने को? पेमेंट एसेट साइड में आएगा, रिसीप्ट लायबिलिटी साइड में आएगी। लीगेसी क्या होता है? रिसीप्ट होता है। लीगेसी क्या होता है बेटा? रिसीप्ट होता है। अब भैया अगर लीगेसी रिसीप्ट है तो आपका आंसर बन गया यहां पर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरे भैया कमेंट बॉक्स में देखें, सबने रिप्लाई कर दिया ना, बहुत बढ़िया, लगभग लगभग सभी बच्चों का रिप्लाई यहां पर ठीक है जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चों को छोड़कर। चलिए मान लेते हैं इस बात को, जो भी आपने रिप्लाई किया है जिसका सही है उसके लिए अच्छी बात है, और जिसका गलत है वो बच्चे क्या करें, अब इस बात को समझ लें और कमेंट बॉक्स में ये भी रिप्लाई कर देना कि आपको ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई है कि भैया क्यों आएगा ये, है ना। तो आपको पता लग गया कि ये क्या होता है लीगेसी, इसको कैसे ट्रीट करते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़े बेटा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। चलिए सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर वन, शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, एनपीओ का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्या दिया है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन, देखो ध्यान देना, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है। मान लो कोई भी पर्सन क्या चाह रहा है कि वो मेंबरशिप लेना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, वो मेंबरशिप लेना चाह रहा है किसी एनपीओ की। तो मेंबरशिप की क्या होती है? एक फीस होती है, और ये फीस कैसी होती है? एनुअल भी होती है फीस, और लाइफ मेंबर मतलब होल लाइफ की फीस भी एक साथ डिपॉजिट करवा दी जाती है। ध्यान से समझना, एनुअल भी डिपॉजिट होती है फीस, और पूरी लाइफ की फीस एक साथ भी डिपॉजिट कर दी जाती है। अब बड़ी अच्छी बात बताता हूं बेटा कि जब पूरे जीवन की फीस एक साथ जमा करा रहे हो तो ये भी क्या होगा, रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग? अरे सिंपल सी बात है बेटा, जीवन में एक बार, जीवन में एक बार, तो रिकरिंग कैसे हो जाएगा, बार बार थोड़ी ना हो रहा है। क्या होगा बेटा? ये नॉन रिकरिंग। क्या होगा बेटा? ये नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग कहां जाते हैं, क्या मानते हैं इनको, अभी समझाया था ना, कैपिटल मानते हैं, कैपिटल आइटम होते हैं, कैपिटल आइटम होते हैं कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में कंटिन्यूअसली चलते रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों के जवाब मेरे पास आ रहे हैं, और जो जवाब आपके आ रहे हैं वो आई जस्ट होप कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जवाब ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। इसका सीधा सा लॉजिक है कि आपको बात बहुत अच्छे से क्या आ गई है, समझ में आ गई है। अब अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक होगा, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा सबको? बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। चलिए शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। बहुत बढ़िया, सभी सारे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, याद रहे एडमिशन का मतलब हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन। चलिए लीक से हटके एक बात करते हैं, क्वेश्चन बाद में आगे बढ़ेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशंस कौन कौन सी होती है फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, व्हाट आर द सिचुएशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
साझेदारी का पुनर्गठन किन किन अवस्थाओं में माना जाता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फटाफट से रिप्लाई करो बेटा कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ हाँ रिप्लाई करो फटाफट, चलिए जल्दी से। हाँ क्या है आंसर, चलो देखते हैं क्या रिप्लाई कर रहे हो तुम लोग। बहुत बढ़िया, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत बढ़िया। सेकंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। थर्ड वन, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फोर्थ वन, डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक और था याद करो क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, व्हेन टू पार्टनरशिप फर्म्स अमलगमेटेड, उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होते हैं बैलेंस शीट में, जो दिखा रखे हैं हमने इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बेटा फटाफट से, कहां ट्रांसफर किया जाता है उनको, जल्दी से रिप्लाई कर दो। ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, हाँ हाँ पता है मुझे कि आप सबको इसका आंसर आता है, आता है तो रिप्लाई कर दो भैया। पहले भी, पहले के अब तक की 5 क्लासों में कम से कम 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रिपीट कर चुका हूं, अभी मेरे पास आंसर फटाफट आना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या होना चाहिए बता दो फटाफट जल्दी से, क्या होगा। हाँ किसके अंदर करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कहां ट्रांसफर करते हैं बेटा हम इसको, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कहां ट्रांसफर किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको ट्रांसफर किया जाता है। बात समझ में आ गई, कहां ट्रांसफर करते हैं बेटा इसको अपन, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं बेटा इसको अपन ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। लगभग लगभग सभी बच्चों का जवाब यहां पर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 समझना और बताना, देखें कि क्या दिया हुआ है और क्या आपको क्वेश्चन समझ में आता है। चलिए बात कर लेते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा है ध्यान से समझना, कि जेड इज एडमिटेड इन अ फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग्स ₹30,000 फॉर गुडविल। क्या हो गया ये, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। क्या है बेटा ये, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई इन। अरे बड़ा, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी को पुराने साझेदार कौन से अनुपात में लेते हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज टेकन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो, कौन से रेशियो में लेते हैं बेटा, बिल्कुल कौन से रेशियो में, जवाब आपको पता है इसका, इन सैक्रिफाइस रेशियो। कौन से रेशो में लेते हैं बेटा इसको, ये सैक्रिफाइस रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स टुक द गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन द सैक्रिफाइस रेशो। अच्छा तो ऑप्शन दिख रहा है कि इसमें कहीं सैक्रिफाइस रेशो वाला, तो आंसर में आ रहा है ना, सब सारे के बच्चों के मेरे पास जवाब आते जा रहे हैं। देखें कौन सा रेशो हो जाएगा इसका आंसर, सैक्रिफाइस रेशो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सैक्रिफाइस रेशो इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ूं बेटा फिर मैं, जल्दी बोल दो आगे बढ़ूं मैं। चलिए ध्यान देंगे अपन, समझो क्या लिखा है कि, अरे वह कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा कैश फ्लो आपको हम यहां पर रिवाइज कर देते हैं। कैश फ्लो का मतलब एक्चुअल कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो वाली सिचुएशन को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। इट इज मैंडेटरी, बनाना जरूरी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की तरह बनाया जाता है। ये सारी जानकारी आपके पास है, नहीं है तो अभी सुन लिया, अभी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो। अच्छा इनमें से क्या है जो आउटफ्लो नहीं है कैश का, चलो देखते हैं कि कैश का आउटफ्लो कब नहीं होता है, ध्यान देना। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, देखो समझना इस लाइन को समझ लो, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे
क्रेडिटर्स इंक्रीज कब होंगे कि जब हमने कुछ परचेज किया है, कैसे, क्रेडिट में। अब क्रेडिट में परचेज करेंगे तो आपने जो भी परचेज किया है वो एसेट कह लो, वो क्या होगी बेटा आपकी इंक्रीज होगी, और आपके क्रेडिटर्स भी क्या होंगे उस केस में, इंक्रीज होंगे। तो कैश का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, उधार खरीदा है तो कैश तो जाएगा ही नहीं, उधार अगर खरीदा है तो कैश तो जाएगा ही नहीं। क्या दिख रहा है कि ये कैश का आउटफ्लो नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए हमको आंसर में मिल गया। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बाकी चीजें भी समझा देता हूं। क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको मैं समझाने के लिए बाकी चीजें भी यहां पर समझा देता हूं, ध्यान देना बेटा। सेकंड ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज इन स्टॉक। अब देखो भैया, अगर स्टॉक में इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है हमने क्या किया होगा, इसको परचेज किया होगा। अब अगर परचेज किया है तो परचेज करेंगे तो कैश भी तो कर सकते हैं ना, तो ये तो आउटफ्लो हो गया। कैश परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। हाँ, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर क्रेडिट परचेज भी तो कर सकते हैं। बेटा क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, वो यहां पर लिखा नहीं है, केवल हमसे क्या कहा है कि भैया स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ है, अगर स्टॉक बढ़ा है तो बात समझ जाओ, स्टॉक बढ़ा है तो कैश परचेज मान के चलो, तो मतलब यहां तो आउटफ्लो हो गया। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। बाबू अगर एडवांस में पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है तो पैसा तो गया, पेमेंट तो कर दिया ना, तो ये भी आउटफ्लो हो गया कैश का, तो इसको भी छोड़ दो। आगे आता है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज तो नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा था यहां पर, आंसर में आ रहा था, तो समझ में आ गई ना बात। अभी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को, तो फटाफट से इन पांचों क्वेश्चन में जिनको समझ में आ गया है वो एक बार वीडियो को लाइक कर दो बेटा, और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दे ताकि मुझको एनर्जी मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए करें शुरू आगे, ध्यान दीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है ध्यान देना, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके ऊपर बेस्ड होता है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन अक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप सबको पता है कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, कैश बेसिस का मतलब है जहां पर केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, किसी भी ईयर से रिगार्डेड हो लेकिन उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अक्रूवल बेसिस कौन सा होता है, जहां पर चाहे ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हो या नहीं हो लेकिन क्या करते हैं, हम उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या कहलाता है बेटा, वो अक्रूवल बेसिस कहलाता है, केवल उस पर्टिकुलर ईयर से क्या होना चाहिए, वो रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है तक, बात समझ में आ गई। अब लेकिन आपको देखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा भैया, फिर तो सीधी सी बात है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बड़ा तो कैश फ्लो तो वैसे भी क्या होगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान देना, पार्टनरशिप वाला ही क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है आपको, देखते हैं अपन क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या दिया है क्वेश्चन, कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अभी समझाया ना बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर पार्टनर्स के बीच में देखो किन किन चीजों को मैं बताता हूं आपको, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को, ठीक है ना, इन सबको कौन से रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेटा, कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेटा, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जानकारी है अपने पास तो देख लो बाप, कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए आगे बढ़ते बेटा फिर अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8
क्या दिया है ध्यान देना कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू, बेटा बड़ा आसान सा प्रश्न है कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसको कहां पर शो करेंगे। देखो कई बच्चों का ना इसके में कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो रिवैल्यूएशन में भी जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में भी जाता है, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं, कंफ्यूज मत हो, रिवैल्यूएशन में ही जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में तो बाद में सबसे एंड में प्रॉफिट या लॉस जाता है रिवैल्यूएशन का। तो एसेट्स की वैल्यू जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो या तो एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट में, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो या तो एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट में, और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही उनको क्या करते हैं, हम रिवैल्यूड करते हैं। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है ध्यान देना, देखते हैं बेटा क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा आपसे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या दिया है बेटा आपको कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा ना, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड और नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, ये अपने को पता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का। तो भैया कमेंट बॉक्स में आंसर आते रहने चाहिए मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ू बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है बेटा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड। अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता है, तो 6% का क्राइटेरिया किस पे था बता दो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहो फटाफट, किस पे था बेटा 6% का क्राइटेरिया, ऑन पार्टनर्स लोन। अरे याद होगा कहां था ये क्राइटेरिया, ऑन पार्टनर्स लोन, कहां जाता है ये पार्टनर्स के लोन अकाउंट में इसको हम शो करते हैं, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप कि सबको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। चलो बहुत बढ़िया, देख लेते हैं क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना बहुत अच्छे से समझना, बड़ा अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं बेटा सबको ये क्वेश्चन आता होगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब मुझे इसका आंसर दे देंगे क्या फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आएगा बताओ। याद है ना कंपैरेटिव को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, कॉमन साइज होते हैं वर्टिकल, वही तो पूछा है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर नोन एज, बेटा कंफ्यूज मत होना, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि दो होते ना कॉमन साइज, कॉमन साइज तो क्या होते हैं बेटा आपके हॉरिजॉन्टल, और जो कंपैरेटिव होते हैं, नहीं सॉरी मैं गलत लिख गया, कॉमन साइज जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा आपके, कॉमन साइज जो होते हैं वो होते हैं आपके वर्टिकल, और कंपैरेटिव जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, ये याद रखना बस इसको, तो इसी से आपका आंसर बन जाएगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर नोन एज, बता दो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर नोन एज वर्टिकल स्टेटमेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लगभग लगभग ये भी सभी बच्चों का ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है अभी तो, पता नहीं पहले क्या हो गया था तुमको कि जो कि पहले तुम्हारे आंसर्स मेरे पास बिल्कुल भी ठीक नहीं आए थे। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, याद रहे समझो क्या लिखा है कि द कॉमन बेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज, बेटा कॉमन साइज में इनकम स्टेटमेंट का बेस क्या होता है याद रखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, रिवाइज कर देता हूं कि जब भी हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट याद होगा ना,
इस कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपने बैलेंस शीट बनाना भी सीखा और इसमें आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना भी सीखा। बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है और इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वही हमेशा 100% होता है। पता है अपने को कॉमन साइज में क्या होता है बेटा, जो बैलेंस शीट में जो टोटल होता है वो 100% होता है और इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 100% होगा। तो यही दोनों क्या है, जो 100% है वही क्या है आपका बेस है। इन्हीं को तो अपॉन में लिखते हैं ना अपन। तो आंसर आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दो क्या दिया है, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं बेटा अपन। समझेंगे ध्यान से सारे बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो बेटा बड़ा सिंपल सा हमको प्रश्न पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, बैलेंस शीट ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, लेजर इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है बेटा, लेजर इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो ही तरह के होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो इनकम स्टेटमेंट होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट में आपका स्टेटमेंट ऑफ पेंडल आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी बैलेंस शीट आती है। ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा आसान सा प्रश्न है, ये भी आप सबको आता होगा कि अगर आप सबने बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं अपन, क्या है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलिए सबसे पहले तो वही देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है। देखो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझिए, देखो क्या लिखा है कि अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट जनरल रिजर्व कहां शो होता है, याद करो इक्विटी एंड लाइबिलिटी सबसे पहला पार्ट, उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसी में आता है आपका जनरल रिजर्व। याद होगी ना ये बात, तो ये बात बिल्कुल याद है, तो बता दो बेटा फिर आ गया ना ऑप्शन नंबर सी, मिल गया ना आपको क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है लगभग लगभग ये भी सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक जवाब है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दो ना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भैया फटाफट से, ठीक है, और वीडियो लाइक कर दो भैया, एनर्जी मिलती रहती है मुझे आपके जवाबों से, आप कमेंट करते रहते हो मुझे उससे एनर्जी मिलती रहती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है कि डिबेंचर होल्डर्स रिसीव, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को हाँ आया क्या आता है इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न में क्या मिलता है बेटा इंटरेस्ट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट में क्या मिलता है, रिटर्न में क्या मिलता है बेटा इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रिप्लाई फटाफट आते रहे आपके, टाइम ना लगाएं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको हमें तुरंत हमें जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और ताकि हम आप इनको क्वेश्चंस को आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना बेटा, तो आपकी जवाब मेरे को मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, टाइम आपको दिया जा रहा है, फटाफट से रिप्लाई कर दो बेटा क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, बताओ फटाफट क्या लिखा है, ध्यान दो पहले तो, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ
फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज शोन एज. देखो मैं पहले कुछ बताता हूं आपको कि जो है ना डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या तो ये करंट असेट्स आएंगे या इनको रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर नेगेटिव बैलेंस की तरह दिखाया जाएगा. दो ही ऑप्शन है अपने पास. और जिसमें भी क्या हो गया आफ्टर 12 मंथ, तो अब आफ्टर 12 मंथ है तो बेटा ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया. रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस बता नहीं सकता क्योंकि 12 महीने के बाद अगली बैलेंस शीट में होगा. तो इस बैलेंस शीट में तो क्या हो गया, ये करंट असेट्स, और करंट असेट्स भी नहीं होंगे फिर, ये नॉन करंट असेट्स होंगे बेटा, क्योंकि आफ्टर 12 मंथ हो गया. आफ्टर 12 मंथ होने की वजह से क्या हो गया, नॉन करंट असेट्स. और नॉन करंट असेट्स भी कौन सी, अदर नॉन करंट असेट्स, ठीक है ना बेटा, क्योंकि आफ्टर 12 मंथ है अगली बैलेंस शीट में. तो बेटा इस बैलेंस शीट में तो है नहीं ना, इसलिए नेक्स्ट बैलेंस शीट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अदर नॉन करंट असेट्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम. क्वेश्चन नंबर 17, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को. मैं समझा रहा हूं आपको क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझो. बहुत बढ़िया रिप्लाई आप सबके रेगुलर मुझे मिल रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद रख रहा हूं आपसे कि आप मुझे कंटिन्यू इसी तरह से रिप्लाई करते रहेंगे. तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिखा रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, सॉल्व करवा रहा हूं आपको. ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या आपने गलती की है. देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं और तीनों इक्वल पार्टनर हैं. आर हो जाता है रिटायर और गुडविल अपियरिंग आपको दिया है बेटा ओल्ड गुडविल कितनी है 30,000, ठीक है भैया, ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगी. तो पी क्यू आर तीनों का अकाउंट डेबिट होगा 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है ना. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,50,000, गुडविल वैल्यूड, नई गुडविल है कितनी 1,50,000. कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल, भैया आर रिटायर हो गया ना, तो आर के अमाउंट अकाउंट में कितना नेट अमाउंट क्रेडिट होगा. देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कलाकारी है, ये नेट लिखते ही ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप इसके आंसर में ना 10,000 की गड़बड़ कर दोगे. क्यों बेटा, ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल की एक एंट्री करते हो क्या, एंट्री तो अलग अलग करते हो ना. तो ओल्ड गुडविल तो निश्चित रूप से नेट अमाउंट से डेबिट होगा ही होगा और न्यू गुडविल तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, न्यू गुडविल तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, तो ये तो अलग से क्रेडिट ही होगा. तो क्रेडिट अमाउंट हमेशा किससे होगा बेटा, न्यू गुडविल से. क्रेडिट अमाउंट हमेशा किससे होगा बेटा, न्यू गुडविल से ही क्रेडिट होगा. क्रेडिट अमाउंट हमेशा किससे होगा, न्यू गुडविल से क्रेडिट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ओल्ड गुडविल तो डेबिट होना ही होना है. ओल्ड गुडविल को एडजस्ट मत कर देना, ये गड़बड़ कर दोगे और वहीं गलत हो जाएगा. डबल एंट्री ही करनी होती है, सिंगल एंट्री से काम नहीं चलता है यहां पर, ठीक है ना. ओल्ड गुडविल की एंट्री हम अलग करते हैं, न्यू गुडविल की एंट्री हम अलग करते हैं. तो अब देख लो बेटा आप यहां पर क्या आंसर आएगा, ध्यान से समझना. अब 1,50,000 इसको कौन कौन किसको मिलेगा, ये 1,50,000 आर को मिलेगा. किसको मिलेगा बेटा 1,50,000, 1,50,000 मिलेगा आर को. और आर को मिलेगा कितना मिलेगा, जितना उसका ओल्ड रेशियो है. तो अगर हम बात करें कि 1,50,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000, कितना आ जाएगा बेटा ये 50,000 इसका आंसर हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहां पर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा. क्लियर, तो जिनका बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छी बात है, जिनका ठीक नहीं है वो बच्चे अपना इसको जो भी है इसको ठीक कर लेना. आगे बढ़ते हैं मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ध्यान से समझना. क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है आपको समझो. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 4:3:2 में. बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो जाता है, ठीक है. आपको गुडविल दे रखी है वैल्यूड मतलब न्यू गुडविल, और कितने की है बेटा ये 1,08,000 रुपीज की. अगर ए और सी का न्यू रेशो 5:3 है तो बेटा फाइंड आउट द गुडविल शेयर्ड बाय ए एंड सी इन फेवर ऑफ बी. ये तो पता है ना कौन से रेशो में शेयर करते हैं, याद होगा गेन रेशो में. तो हम गेन रेशो कैलकुलेट करते हैं ए का, क्या फॉर्मूला गेन रेशो का,
न्यू माइनस ओल्ड, तो ए का न्यू रेशो क्या है 5/8 और ए का ओल्ड रेशो क्या है 4 और 3 7 और 2 9 4/9 एलसीएम हो गया 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 5 45 8 4 32 तो 13/72 क्या हो जाएगा 13/72 आ जाएगा किसका ए का। अगेन सी की बात करो 3/8 - 2/9 एलसीएम 17 9 3 27 -16 तो ये हो जाएगा बेटा 11/72 ये तो इनका गेन रेशो आ गया। तो गेन रेशो क्या हो गया इनका 13:11। अब कितना मिलेगा बी को हिस्सा उसका शेयर है वही तो मिलेगा ना, तो 1,08,000 का 3/9 या इसको 1/3 कह लेते हैं अपन, 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करो 3 3 9 और 3 6 18 तो 36,000 मिलने बेटा टोटल बी को। और ये 36,000 कौन बियर करेगा ए और सी किस रेशो में 13:11 में, तो डिवाइड कर लो ना बेटा 36,000 को अगर हम 13:11 में डिवाइड करेंगे तो 13/24 सॉल्व करो देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करो फटाफट कितना आएगा तो ये हो जाएगा 1500 24 1 24 बचेंगे 12 25 24 5 120 हाँ कितना आ जाएगा 1500 कितना आ जाएगा ये 1500 चलिए ठीक है। अब 1500 × 13 कर लो तो कितना हो जाएगा 10 से 1000 से गुणा कर लो 13000 का आधा 6500 13000 और 6500 19500 ठीक है। तो हमारे पास एक का आंसर आ गया 19513 का। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको हम 1500 × 11 करो तो 11000 का आधा 5500 11000 और 5500 16500 आ गया ना बेटा। तो 19500 और 16500 इसका आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ भाई सबको समझ में आ गया होगा ना बेटा। हाँ सर समझ में तो आ गया लेकिन क्या करें अभी तो सब समझ में आ जाता है हम करने बैठते हैं तब तोते उड़ जाते हैं हमारे और ये तो बड़े सीधे क्वेश्चन लगते हैं फिर ऐसा लगता है कि यार ये भी नहीं आता हमको। डीमोटिवेट ना हो अपने आप को एनर्जाइज रखें इसीलिए हमने अभी ये क्लासेस शुरू की हुई हैं ताकि जो कमियां हैं जो छोटी छोटी बारीक कमियां हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सिस्टम भी इसलिए चलाया है बेटा बहुत छोटी छोटी बारीक से बारीक चीजें आपके अंदर से निकलकर आ जाएंगी। इंप्रूव करो अपने आप को हो जाएगा दिक्कत नहीं है घबराने की बात नहीं है। चलिए फटाफट से दो क्वेश्चन और बचे इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कंटिन्यू चलते रहे बेटा मेरे पास। चलिए फटाफट ध्यान दीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो इंटरप्रिटेशन होता है मतलब उनको जो व्याख्या की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई भी व्यक्ति जिनको प्रेजेंट किया जाता है किसी के सामने तो इनको प्रेजेंट करने का पीछे इनका मेन इनमें क्या क्या मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज शामिल है इंक्लूड्स मतलब क्या क्या कहते हैं हम उनके बारे में क्रिटिसिज्म एनालिसिस हाँ बिल्कुल ये भी करते हैं अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो उनकी बुराई भी कर सकते हैं उनको एनालाइज करते हैं बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल ठीक है। कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी हाँ ये भी तो करते हैं ना हमने टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा था कि भैया हम एक दूसरे ईयर के या एक दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइंड करते हैं कंपेयर करते रहते हैं ये तो ये भी ठीक हो गया क्या मतलब बहुत सारे ऑप्शन थोड़ी होंगे इसके ड्रॉइंग कंक्लूजन ये भी बिल्कुल ठीक है। तो भैया फिर तो पता लग गया ना डी ऑप्शन दे दिया इसने ऑल ऑफ द अबव तो आपको आ जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थ्योरेटिकल वाला वीडियो देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट ओहो ये तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि हॉरिजॉन्टल एनालाइज को हम और क्या कहते हैं नहीं वो नहीं समझाया था इतना समझाया था क्या होता है क्या नहीं होता है तो बताओ देखें कि हॉरिजॉन्टल एनालाइज को और क्या कहा जाता है। सिंपल सी बात है हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या बताया था मैंने बता दो हॉरिजॉन्टल का मतलब कंपैरेटिव कंपेयर एक ईयर से दूसरे ईयर को करते हैं एक फर्म से दूसरी फर्म को करते हैं मूवमेंट हो रहा है डायनेमिक मतलब गतिशील एक साल से दूसरे साल में गति की तीसरे साल में गति की हम कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग सालों को। वर्टिकल क्यों हुआ क्योंकि एक ही ईयर के होते हैं ना कॉमन साइज तो इसलिए वो डायनेमिक नहीं है डायनेमिक कौन से हॉरिजॉन्टल मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं डायनेमिक नेचर के होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आज की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हमारी इसी तरह से लगे रहो और अगले क्वेश्चंस को भी आप
देखते रहो अगली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चलिए, अरे सर हाँ हाँ याद है ना, जिन्होंने अब तक अच्छा परफॉर्म किया उनके मार्क्स बता रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या परफॉर्मेंस रही आपकी। ध्यान देना कि जिन जिन बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर टॉपर किया, टॉप किया है, जो टॉपर है हमारी इस टेस्ट सीरीज के, उनके नाम मैं आपके सामने यहां पर अनाउंस कर रहा हूं, देखिएगा। चलिए बड़े बहुत बढ़िया, बधाई हो आप सबको, उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए हम नाम अनाउंस कर देते हैं उनके, वैसे तो आप सबको दिखाई दे ही रहा है कौन कौन है टॉपर हमारे। देखिए, फर्स्ट रैंक टेस्ट सीरीज 6 के अंदर फर्स्ट रैंक जो प्राप्त की है वो है सार्थक एंड हर्षित। कौन कौन है बेटा? सार्थक एंड हर्षित। हर्षित नाराज मत होना बेटा, हमारे टाइपिस्ट की गड़बड़ है, तेरा नाम सेन नहीं है, जैन है, ठीक है ना बेटा। एक है सार्थक, हर्षित, बधाई हो सबके लिए, आप अपने घर पे बैठ के ताली बजाएं, और हर्षित और सार्थक आप दोनों भी अपने लिए ताली बजाएं, क्योंकि कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस सार्थक की बहुत अच्छी चल रही है, हर्षित ने भी टॉप पोजीशन अक्वायर की है, वेल डन, वेरी गुड। चलिए, सेकंड रैंक अचीव करने वाले बच्चे का नाम है रोहित कुमावत। कौन है बेटा? रोहित कुमावत। और थर्ड रैंक पर है भव्या अग्रवाल एंड पवन सोनी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सबको, और मैं आप सब बच्चों से ये उम्मीद करता हूं बेटा कि आपका नाम भी जल्दी यहां पर होना चाहिए। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।